सच्चे होते हैं ये लोग। सच्चे होते हैं पक्का मुसलमान। हाँ, जो कहना है उस खान साहब के पास एक मोबाइल 80 बैटरी। अरे
परेशान हो गया मैं। मैंने कहा खान साहब मोबाइल एक बैटरी 80 24 घंटे के बाद लिखा हुआ जाता बैटरी लो बैटरी लो बैटरी लो। Thank you.
छोटे ये बच्चे ने मुझे परेशान कर दिया Thank you.
मैं, डैडी भी मैं, पिता भी मैं, बापू भी मैं। Oh,
तुम्हारे किस किस्म के ताल्लुकात हैं उनसे भी? ये मेरे घर के गार्डन में बना हुआ है, हर आदमी मॉर्निंग कर रहा है। जवानी में मार तुम्हारी माँ से बचने के लिए। हाँ ये बताओ बेटी, ये लिखना बंद कर दो। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, सब तुम्हारा है। तो मैं गली में खड़ा हूँ, क्या चल रहा है आपके मकान पे? कलर हुआ हुआ क्या हुआ हुआ, कुछ हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ? आप घर में रहते हैं नहीं रहते? मकान बना हुआ कि बाहर बजरी पड़ी है? क्या चक्कर क्या नहीं बताइए, खुल के बात करना क्या? पैसे है कि नहीं? आप गली को खोल दो बेटा, ये समझ में आया कि तुम अमेरिका से आओगे? समझ में आ गया? मैं अमेरिका से आ गया हूँ, मेरा नाम जवाद है, मेरे वाले साहब ने मुझे भेजा, तो मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं? बेटा ये 217 हमारी मकान है, बाहर पीसीओ के साथ देखोगे पीला दरवाजा। जी जी बस यही हमारा घर है बेटा, आ जाओ फौरन। बस मैं आ रहा हूँ, छोड़िए मैं आपकी आवाज नहीं सुनना चाहता, छोड़िए। ओके बेटा। और मंगेतर आ गया। कौन मंगेतर? एक ही है। कौन मंगेतर के क्या मतलब है? बेटी तुम्हारी शादी जरूरी है, बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है औलाद की शादी, तुम अपने घर की हो जाओ, मेरे लिए सब कुछ यही है। बेटी मेरे कब्र के ऊपर होगा, शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। आपको यह करना चाहिए क्या? शादी तो हमारा नौकर ही करेगा। शादी को चल रहे अपने ही कहानी बीच में ला दी। हम नौकर बनकर आए तो पूरी बात क्या करो? सर ने चढ़ाया मेरे बचपन का दोस्त था, वो भी बेचारा गुर्बत का, उसका बेटा है काम पे रख लिया जलील। औलाद है उसको आप लाड नहीं करो, क्या करो? कहाँ जा रहे हो तुम?
एक हफ्ता टाइम दे सर, एक हफ्ता ओके बेटा, मैं भेजता हूँ सर, भेजता हूँ। से मिलने आए तो वापस कैसे जाए?
आ तो जाऊंगा, जाऊंगा कैसे? तो जाएंगे क्यों? तो क्यों कभी जाऊंगा ही नहीं। शादी के बाद कहाँ जाएगी? तो मैं देख रही हूँ, जाऊंगा शादी के बाद। मेरी शादी हो रही है तो मेरे चार खुली हो रहा हूँ। नहीं, हम दोनों साथ मिलके रहेंगे ना? हाँ तो साथ मिलके रहेंगे, ये ठीक है। और दूसरी बात अभी तय कर लो, फजूल खर्चे नहीं करोगे। क्यों? हाँ क्या मतलब? शादी के बाद आप उसमें पाबंदियाँ लगाएंगे? नहीं, पाबंदी नहीं लगाऊंगा। नहीं, मैंने शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग यार, मैं हूँ ना, समझ लो हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये बाजार, ये दुकान, ये ज्वेलर की दुकान है। अच्छा को भाई कैसे गए भाई आप? ठीक है, मेरी मिसेज है, बस ऐसे ही आ गए हम लगा कुछ ज्वेलर ले लें। ये खड़े कैसे कर दे? बहुत प्यारे। की बोलता है कितनी है? 20 लाख। अच्छा 20 लाख दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये चेक भी ले लीजिए, कैश भी ले लीजिए, दोनों चल रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। लो ये हो गया, अभी तो बात बता। हाँ भाई, ड्रेस बताए कितने का है? 5 लाख बस। दे दीजिए, दे दीजिए, प्यारा भी। थैंक यू भाई। अब हो गई हमारी 25 लाख की शॉपिंग, अब घर चलते हैं। शॉपिंग हो गई, अभी तो कराइए। बीस लाख का कड़ा दिला दिए और 5 लाख का जोड़ा, तो बस खत्म हो गया। आज का इतने बजट था, कहाँ है? तो कहाँ है शादी? कहाँ है? हो गई शादी? लड़को सबूत है तुम्हारा? हो गई तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो क्या करूँ? मुझे आपके अखबार नहीं। क्या अखबार नहीं? आप रोमांटिक नहीं है। हम रोमांटिक नहीं है? मैं रोमांटिक आदमी हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये कौन है? आपके घर में कौन आवाज लगा रहा है? भाईजा, तुम यहाँ खड़े हो, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। ये इनसे मिली? कौन है? मैं तारुक कर रहा हूँ। I'm his husband। तो लड़की है? वो मतलब आजकल अमेरिका में किसी की इंग्लिश चल रही है। अच्छा अच्छा। She's my husband। गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूजन हो रहे हैं। मैं इनका हस्बैंड जो होने वाला, I'm जवाहर इन सिंह फ्रॉम अमेरिका। मिलो, मैं मेजर साहब की बेटी से शादी करने के लिए आया। क्या आप मेजर साहब की बेटी से शादी करने के लिए आए? तो मेजर साहब की बेटी तो मैं हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बेटा? और क्या, तुम्हें ऐसी बातें करने का कोई हक है? और क्या तुम होते थे जहाँ लड़की गई थी पटरी से बाहर? मैं पटरी से बाहर? मैं हूँ पटरी गई, मैंने सिर्फ डब्बा बदला हूँ। मैं पटरी गई बेवफा हूँ। मैंने क्या किया? गद्दार हो। गद्दार? मैं बांग्लादेश को रास बेचता हूँ। क्या है? तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे जब तुम्हारी शादी हो और शादी के बाद तुम्हारे बच्चे हो, वो बच्चे तुम्हें मामू 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 कहे। बच्चे कहने से तो क्या हो? बच्चे नादानगी में कह सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनकी बात में क्या बुरा मानना। हम तो तुझे बद्दुआ नहीं देंगे, हम तो इतना कहेंगे कि अल्लाह करे तेरी शादी हो और तुझे कोई 4 दिन के बाद पता चले कि तेरी शादी नहीं हुई। जा, हमारी भी बद्दुआ लेके जा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, तू कुछ ना करे, सब अल्लाह में डाल दो, लोट डाल दो अल्लाह में। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारी शादी हो उस दिन हर जगह की लाइट चली जाओ, 3 दिन तक लाएगा। तो मैं मतलब तो पंखे किराए पे लेता हूँ, मुझे क्या नुकसान हुआ था लाइट ना? क्या मेरा नुकसान क्या है? क्या मतलब लाइट जाएगी तो शादी कैसे होगी? लाइट जाएगी तो शादी? क्या मेरी शादी क्या मतलब बत्ती से हो रही है? लाइट चली जाएगी तो ये तो होगी ना? कौन मोमबत्तियां खत्म हो गई क्या? ये रात लिट गए क्या? अल्लाह करे, अल्लाह करे, हाय मैं लुट गई। ये कौन है भाई आइटम? ये मेरे दोस्त है फाजल साहब, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। अभी बच्ची को रखा दिया। चल चुप करे, चुप करे, खून मुझे लाओ। यार क्या मुसीबत है, अब खुदा किसी को इतना हुस्न भी ना दे। क्यों? हुस्न की वजह से
मेरे आँख से वो भी निकल गई। अच्छी बड़ी मेरे साथ पिकनिक पे जा रही थी तो पहाड़ों में झीलों में शॉपिंग सेंटर सारा कुछ सेट हो गया। आप बताइए तुम्हें कुछ करो जब पता चले बहुत आई तुमको एक लड़की सेट हो गई जब माते हो गई बच्चे कब तय हो गए छह बच्चों का तो मैंने बिल भी दे दिया। लड़ने लगे तुम सारी चीजें चले क्या मुसीबत है। लेकिन आप क्या समझा मुझे मुझे ना भी अपना कैरियर बनाना है। अरे तब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा कैरियर बनाऊंगा। मैंने ऐसा बनाया अभी अपनी स्कूटर का कैरियर बनाया। अब जाके देखे जरा सिलेंडर लग कर ले जाए स्कूटर को नहीं लेगा इतना मजबूत बना। बहुत प्रिय साथी उन साहब का नाम दवाई है। अच्छा अखबार में आप यू आर जर्नलिस्ट मैं खुद भी अखबार में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अखबार अपना निकालूंगा आप पेज निकालूंगा। मैं निकालूंगा आपकी आपके कैलकुलेटर में जो खातून अखबार निकाले नाम रखे उसका आई बुआ रोजनामा आई बुआ खातिन का नहीं करूंगा 15 रोज का। आई बहन सुनो यात्रा रोज मिसाल दी है। अरे कोई नहीं मिसाल में भी आप मुझे कबूल नहीं दी मिसाल में अगर आप सेट हो गए तो मैं क्या करूंगा। मेरी बात सुन आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि आपको बदमाश तंग करते वो आपको धमकियां देते वो बदमाश आपको मार डालेंगे क्या हुआ नहीं मैं ना बदमाश आते ना इसलिए आपको क्या हुआ तो यहाँ बदमाश आते हैं। आप पहले क्यों नहीं बता रहे सारी बातें आज तक खुल रही यार मेरा समझ ला मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि वो मुंह पे मारते मैं नहीं लगू प्लीज बजा। बेटा तुम तो काफी दिलेर हो अमेरिका में। मैं अमेरिका में दिलेर हूँ या अमेरिका तो नहीं है वहाँ लड़ाई भी उसूल से होती है यहाँ तो कोई पीछे से मारता है। देखो तरीका तो नहीं है मैं कोई घबराने वाला आदमी तो नहीं हूँ अलहमदुल्ला मैं लड़ाई लड़ी है मैं अमेरिका में शिकागो के अंदर डीवॉन स्ट्रीट के ऊपर मैं 8 कालों से लड़ा हूँ 8 काले और मैं अकेला और ये अखबार एक फिंच जो पैर पीछे हटाया हो क्यों क्यों भाई हिम्मत ही नहीं पैरों का जिस किस्म की लड़ाई शुरू हुई है मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वो पैर नहीं उठाऊ एक काले ने मेरे पैरों पे अपने पैर रख दिए इतना बड़ा उसका पैर का रख दिया ना अब पैर रख के खड़ा हो लेकिन जान नहीं मुझे यार कर नहीं क्या हो रहा भाई मैं हाथ उठाता मगर सब मेरे से ऊपर में पड़ेगी अब लिहाज भी होता रहेगा आदमी को टिका टिका नाक तो भूसे मारे उन्होंने पैसे मांगा था इससे पैसे मांगे थे इससे नहीं कोई पैसे नहीं चलो झूठ बात पैसे तो कोई मांगे उन्होंने मुझे टिका के मारा आप इस गर्दों से मेरी शादी करें कितना दिले रहे पिटता रहा एक कदम भी नहीं लाया डैडी ये डरपोक है नहीं ये इल्जाम है इल्जाम नहीं है हकीकत है हकीकत नहीं है मैं आप मुझे अपने बात से लगा के देखता
उनसे मैं लड़ लूंगा क्योंकि उनकी दोनों टांगों में गांठ पड़े हुए। मैं इनसे लड़ सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं कि मैं किसी अरे गारे से लड़ लूं। जान पहचान तो लड़ते में तेरा मजा आता। ठीक है, दुश्मन से लड़ाई मेरा सामान ले रहे, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं बात, कोई बात नहीं, मेरी बात तक आई एम सॉरी, मैं छात्र नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ, ये नौकर है यार, मेरे दिमाग खराब हो गया, असल में घर में नहीं देखता हूँ। सर सर लंबा सा आदमी आया है, वो तक पहुंच भी नहीं सकते। ये शादिया मिर्जा का घर है। हाँ, मैं हूँ शादिया मिर्जा। मेरा नाम है सिकंदर दास, ये है चंपा। हमारे माँ बाप कहते थे नए बाहर में जाएगा, तो पूरा देखने में 5 मिनट लग रहे। 5 मिनट नहीं सर, तुम 2 मिनट देखो मैं किस तरह इस घर की ईंट से ईंट बजाता हूँ। तुम अपने काले कलम से मेरे ब्लैक मार्केटिंग के धंधे के बारे में अपने काले अखबार में लिखती हो क्यों? मैं बताओ ना क्यों मेरे से कह रहे हो? अब मुझे बचवाने तो यार आप पता भी नहीं देते हूँ। मेरे कहेंगे ना देख रहे भाई, तुम अब मैंने आपसे क्यों का सवाल किया, आप इतने लंबे क्यों? आप लड़की के वाले? ओ भाई क्यों मेरा सामान ले रहा है? अच्छा तो तुम हो शादियों के बाप? ये ठीक है, पहली गोली तुम्हें तुझे मारूंगा। अरे बेटा मैं हूँ ना, तो आपके पास तो मैं ही हूँ ना फिर। अरे तुम मेरी बदमाशी देखो, तुझे गोली मारूंगा मैं। मुझे तो गोली मारना ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अंदर बनियान नहीं पहनी हुई। बदमाशी? तो मैं भी बदमाश हूँ। क्या बदमाश हूँ? क्या बदमाश हूँ? वो क्या हो गया अंकल, डर गया? नहीं एंजॉय बेटा, मेरे साथियों ने तुम्हें बड़े प्यार से समझाने के लिए आया कि तुम मेरे खिलाफ बदमाश छोड़ दो। चाहे तुम मेरा कपड़ा फिर से रिक्त रह सकती है, वो शिवपुरी तक का बंदा खा लो, चाहे तुम अपना खुद का स्थान खोल के सब इसके बारे में लिखो, सिर्फ दिल्ली के बारे में। बताइए बेटा क्या हुआ बेटा? आगे ये तो कीमा है बेटा, हमारे लिए पोस्टा वाला बने थे। मैं यहाँ तुम लोगों की समस्या पूरी करने के लिए आया, देखो मैं तुम्हें बस तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, वो तो सही लोग हैं। बड़े लंबे हैं
जा करीब जानी हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है। मेरा भाई अमेरिका से साइकोलॉजी पढ़ गया है, ये तो वहां से छुट्टियोलॉजी पढ़ गया है। किस किस्म के झूठ नाम थे जिसे किस नजर आने लगा भाई? मैं देख लू को, मैं देख लू तुम दोनों को, वो तो बच्चे हैं। भाई सांस में बेटा क्या चुने हैं ये आपकी बीवी के लिए? तुम पैसे हैं चाय के लिए मना करा अंदर अंदर तेरी बेटी निकली है क्या? मुझे तनखे के बदले में मेरे बच्चे ने भगाया मनुष्य
काटे और मैं ये करूँगा। खुदा का भोग करो, क्या हो गया तेरे माई? फिर तो दोनों की नहीं Thank you.
उसकी तरफ रहना है, तरफ उसकी तरफ जाए। डैडी मां से मत करना। नहीं बेटी मैं तो एंजॉय कर रही हूं, मुझे मुझे ये पता लगा कि ये सब कौन है बीच में हम लोगों के बात कर रहे हैं, ये सब बीच में कौन कौन से बात करने दो। अरे मैं उनका होने वाला शादी 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 ये क्या है, ये फाइनल से 2 साल छोटा हूं। मैं
से जाएंगे। छापा ज्वारी भागे दो हिजड़े पकड़े गए।
हिंदू अपनी बीवी के कपड़े पहन के भाग गया। बात करने जानती नहीं कौन हूँ। कौन है? मिस्टर बजाज। तुम मिस्टर बजाज हो? यस। तू तो बड़ा ही बेजरत आदमी है। क्यों? अबे तेरी बीवी
घर से पहले वाले के पास लौट जाती है तो फिर घर में रुक लेता है। मैनेज कर रहे हैं कसम, तुमसे तो ये सीधा अच्छा है। बहरहाल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें मालूम है मैंने इस स्टार प्लस के लिए कितने दुख कितनी तकलीफें उठाई है। अरे ऐसे वैसे जो मेरा मियाँ गुस्सा लेता है मुझसे कहने लगा या स्टार प्लस छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मैंने अपना मियाँ छोड़ दिया। फिर डाल लिया, फिर वाल लिया,
और उसका बंदी किया। अगर सही बता रहा अपना देखो कितना स्वस्थ है आपका बाजी सेब लो ताकत भी है मजे भी है। तूने कुछ नहीं लिया ना मजे लिया ना सेहत ली और इधर आना और तो भी नहीं लिया कुछ क्या गुस्से में दाढ़ी नहीं आएगी। शादी के लिए रिश्ते दरकार को तैयार है।
है तो आपकी बातचीत चलाए। हुजूर आपका निशान अजीम होता है 1314। यही करीब ही तीसरा मकान है इस करीब। अच्छा बुलाओ फूको छोड़ो बात चलवा लेते। अल्लाह मानेगा आपका मुकद्दर की बात ये चीजें अपने फूको बुला ली बुजुर्गों का होना कोई जरूरी है अभी दिखाते हैं हम मैं आपको लड़की दिखा देंगे लल्ला क्या सेवर का बल छुपा के ले गए माशाल्लाह आ रहा हो जाएगी। अच्छा नहीं होगा मैं फिर आऊंगा इंतकाम में।
जहाँ पे चलते भी है करके चले किस किस के खिलाफ लिखोगे तुम? तुम्हें एक लिस्ट दे दो हमें कि इनके खिलाफ लिख कर लो। किसी को माफी नहीं दूंगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी। और मांगे किसने भाई? मैं चौधरी बशीर
जी इस बात का इकरार करता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं बे से सुलह कर रहा हूँ बे से और मैं इसे कभी कोई नहीं दूंगा। ठीक है जी, अभी खुल जाए मैं बे को कभी कोई नहीं दूंगा। अगर मैंने इसे कोई दी तो मेरी तमाम जीन बेकानून होगी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं जिंदगी भर इनका साथ निभाऊंगा। मैं इन्हें दिलो जान से हक की जियत में दौजी अंतर से बोलिए गले से बोलिए और भारत से बोलिए जी जीत। मेरी बुकली जी जीत। पंवा बिठा के बोलिए, पंवा होता है ना जी, उसको बिठा के बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। पंवा बिठाई बोलिए भाईजान, देखने पंवा बैठे हाँ सोफे पे बैठे तुझसे पता नहीं किस बात में पढ़ते तुझसे
Thank you.
शादी करा रहे अमेरिका फिर मैं भी कहीं कर घर में राशन जो है ना एक हफ्ते का एक महीना चलेगा हमारी माता सब्जी है तो चलता है।
सारे चार
I'm going to
सब काम हो गया बस चला चलेगा आतंकवादी औरत यह मोहल्ले में आपकी शादी की मौत को मैंने सबका मुबारकबाद देता हूँ गुरु आपसे हाथ मिलाइए हाथ मिला के बोलो बोलो उसको लेना और आपको कभी और आप भी
इंसान जीते क्यों से तुम्हारा क्या बना सारे उधर ही उसके पास चलते हैं। डॉक्टर को क्या बोला? वो खिला दो एंटॉक्स। बिल्कुल ना करना।
तो आप सेटिंग नहीं करते हो आज वहाँ वो वही वहाँ मतलब इकट्ठा कौन करेगा भाई लेकिन मैं मानता हूँ मैं दूसरे चैनल में शादी का दिया
पंजाब के शहर हो गया उसमें जिंदगी अपनी दवा पर भी तमाम जगह जाने की इजाजत नहीं बलोचिस्तान और साफ सब मिल गए या खुदा जिस तरह ये झांसी में मिल गए इस तरह ये सब आपस में मिल गए मेरे साहब ये मुसीबत डाल दी हम जिला मुसीबत डाल दी जी 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 क्या मैं नहीं ना हम जिस तरह भी आते हैं दवा को गुम कर लेती हूँ जी ठीक है अरे बम बनाने वाले एक बात मुझे बता दो तुम्हें खुदा ने इतना दिमाग दिया है कि तुम बम बनाते हो एक मिनट में पट्टी का कुछ बना ले तो बड़ी बड़ी इमारतों को तो ऐसे बम क्यों नहीं बनाते जिसके चलाने से अमन मिला जाए जिसके चलते ही सब लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे नफरत खत्म हो जाए बम ऐसा बनाओ जो पाकिस्तान के पंजूरा में तस्वीर को खत्म कर दे ऐसा बम क्यों नहीं बनाते आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक साथ जुड़ा हुआ है 1965 के बाद ये जज्बा देखने को मिला है दुआ करो ये जज्बा ताकि ये कौम इसी तरह जुड़ी रहे मुत्तहिद रहे और इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करे और हम सब हाथ में हाथ डालकर ऐसी जंजीर बनाए जिसको चाह करके कोई मुसीबत कोई आफत कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और हम सब उसके सामने बिहार